हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्वल ज़ॉम्बीज रिटर्न्स की एपिसोड 2 की कहानी। और इससे पहले के एपिसोड्स और प्लेलिस्ट आपको आई कार्ड में मिल जाएंगे। ये सभी आपस में कनेक्टेड होने की वजह से वो आप पहले देख लें। और अगर आप कोई और सीरीज देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्पाइडी सैंडमैन से कहता है, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो सैंडी, तुम्हारा टेस्ट डर्ट से भी बदतर है। वो मेरी भूख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन मेरे काटने से तुम इन्फेक्टेड हो सकते हो, जैसे मेरे डायमेंशन के फ्लिंट माफ के साथ हुआ। उस पर सैंडमैन कहता है, ये सब जो तुम कर रहे हो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। हम लड़ते, तुम जीतते, हमें जेल होती, हम वहां से भाग निकलते और यही होता रहता। तुमने ये रूल तोड़ के ये सब क्यों किया? तब जॉम्बी स्पाइडी कहता है, हंगर के साथ एक ही रूल आता है, कभी ना खत्म होने वाला खाना, एक बाइट से तुम सब जान जाओगे। तब सैंडमैन वहां से भाग जाता है। जब स्टूडेंट और सिक्योरिटी का ध्यान बाहर के कतलेआम पर था, तभी अंदर किंगपिन से एक आदमी कह रहा था, आपका डायवर्जन काम कर गया बॉस। उस पर किंगपिन कहता है, बिल्कुल, किंगपिन एक जाना माना चालबाज है, इसलिए इसे काम तो करना ही था। ये टैबलेट मेरा है, लेकिन ये जाल फेंकने वाला मकड़ा अभी भी जिंदा है, मेरी जीत तो लगभग हो ही चुकी है। तब किंगपिन गुस्से में स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ता है उसे चुनौती देने के लिए। उस पर वो आदमी कहता है, आपको लगता है ये अच्छा आइडिया है? मुझे ये असली स्पाइडरमैन नहीं लग रहा, तो हमें अपनी चीज़ लेकर चले जाना चाहिए। तब किंगपिन उससे कहता है, चुप रहो डरपोक, याद रखो किंगपिन कोई मोटा भद्दा आदमी नहीं, बल्कि मेरी साइज प्योर मसल्स से आती है और वो तुम्हारे लिए काफ़ी है स्पाइडर, लेकिन होता इसका उल्टा है। स्पाइडी किंगपिन को मारकर खाते हुए कहता है, तुमने सही कहा था किंगपिन, तुम में डार्क और वाइट दोनों ही मीट है। तब किंग पिन के आदमी जो टैबलेट लेकर आए थे वो भाग निकलते हैं। तो अर्थ जेड का स्पाइडी सैंडमैन को रोकने पहुंचता है और कहता है, कहाँ जा रहे हो बीच बॉय, तुम्हारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन यहाँ है और कभी कभी मैं बैचलरेट पार्टीज में भी मिल जाता हूँ। तब सैंडमैन गुस्सा होकर कहता है, अगर जिंदगी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा, तुम मुझे नहीं खा सकते। तब स्पाइडी कहता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो सैंडी, मैं वेजिटेरियन हूँ। इससे पहले स्पाइडी आगे कुछ बोल पाता, सैंडमैन उसे मारते हुए कहता है, तुम मुझे अपने जैसा मॉन्स्टर नहीं बना सकते। सैंडमैन पूरा स्पाइडरमैन के मुंह में अंदर घुसते हुए कहता है, तुम मुझे खाना चाहते हो तो खाओ मुझे। और सैंडमैन स्पाइडी के पेट में जाने के बाद उसे मार कर ही बाहर आता है और कहता है, आखिरकार द ग्रेट स्पाइडरमैन मर गया और सैंडमैन ने उसे मारा, आज से नई दुनिया की शुरुआत होगी, एक नए रूल के साथ या बिना किसी रूल के साथ। ये दुनिया कैसे होगी फ्लिंट मार्को, मुझे यहाँ से जाकर सोचना होगा। क्या होगा वो प्लान, शायद वो हमें अगले चैप्टर में देखने को मिले। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप समझे साइकोटिक सैंडमैन की कॉपी हमने इत्तेफाक से दिखाई। जॉम्बी स्पाइडी इस सबसे अनजान खाते हुए कह रहा था, मैं जानता हूँ मैंने वादा किया था, ये लड़ाई में ऐसे नहीं लड़ूंगा, इस भूख ने सब बिगाड़ दिया, शायद मैंने सिर्फ बुरे लोगों को ही खाया, इस तरह से मैं अच्छे लोगों को बचाकर अपना शौक छोड़ दूंगा और टैबलेट मिलने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तभी वो देखता है सभी विलन्स जॉम्बी बनकर लोगों को खा रहे थे। तब स्पाइडी उन्हें मारते हुए कहता है, वो मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें बचाऊंगा। एक बार स्पाइडी चेक करता है कि उन लाशों में से कोई जिंदा तो नहीं और कहता है, मेरी इतनी मेहनत के बाद भी मैं हार गया, सिर्फ मेरे अपने ही नहीं बल्कि टैबलेट भी चला गया और मैं उस वक्त खुद को हीरो साबित करने में लगा हुआ था। पार्कर, तुम दोबारा इंसान नहीं बन सकते, यहाँ भूख और अनलाइफ के सिवा कुछ नहीं, अब इस चेहरे का क्या फ़ायदा, कोई नहीं बचा जो इससे प्यार करे, मुझे यह दोबारा नहीं देखना। और वो इसी के साथ अपनी खाल नोचने लगता है, मैं जो भी करूँ जहाँ भी जाऊँ एक इंसान नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ही रहूँगा। बड़ी भूख के साथ आती है बहुत बड़ी भूख, क्यों चीज़ें मेरे साथ ही सही नहीं होती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लोगों को नुकसान ना पहुँचाने की, लेकिन मुझे हमेशा इस बात की कीमत चुकानी पड़ती है कि मैं जॉम्बी स्पाइडरमैन हूँ। सर अपनी ऑब्जर्वेटरी से यह देखकर वहाँ से जाते हुए कहता है, इतनी भयानक हार देखना काफ़ी है, हाफ डजन सुपर अंडेड में से एक ने तो अपने बदले का नाश कर दिया, उम्मीद है यही सबके साथ हो, मैं अपने साथी वॉचर से बात करूँगा जो मल्टीवर्स में है, शायद उन्हें मैं कन्विंस कर पाऊँ अपनी दखल ना देने की शपथ तोड़ने को
इस इनफाइनाइट वर्ल्ड की भलाई के लिए। तभी वॉचर अपनी स्क्रीन पर एक परछाई देखता है, उस पर वो कहता है किसने हिम्मत की ओटूज के डोमेन में आने की। तब वॉचर को जेंट मैन खा जाता है और कहता है लकीली मैं यहाँ मून के ब्लू हिस्से में अकेला टेलीपोर्ट हो गया और अब ये वॉचर्स की डायमेंशन ट्रेवलिंग टेक्नोलॉजी मेरी है। न्यू वाकांडा ने मुझे किसी और की नहीं बल्कि सबकी प्रॉब्लम बना दिया है, क्योंकि अब ये मल्टीवर्स ही मेरा बफेट बनेगा। We'll be right back.